ये है सेंट्रल एशिया जो मगरिब में कैस्पियन सी से लेकर मशरिक में चाइना और मंगोलिया तक और जुनूब में ईरान और अफगानिस्तान से लेकर शुमाल में रूसिया तक फैला हुआ है। इस सेंट्रल एशिया में आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के खित्ते शामिल हैं। इसी सेंट्रल एशिया के एक बड़े से हिस्से और अफगानिस्तान का जो मगरबी इलाका है जिसमें कि आप हिरात, समरकंद, बुखारा ये जो मैंने इलाके देख रहे हैं और ईरान का जो मशरिकी इलाका है जिसमें कि अस्फहान, तबरेज, तेहरान के इलाके हैं और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये तमाम इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है, जो टेरिटरी बनता है, इसी इलाके में 1077 साल में एक तुर्क और ईरानी बोलने वाले सुन्नी मुसलमानों का एक सल्तनत कायम हुआ जिसे कि ख्वारज़्मियन एम्पायर या ख्वाज़मशाही सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत का जवाल 1220 साल में हुआ जब तातारियों ने चंगेज़ खां की क़ियादत में इस एम्पायर का ईंट से ईंट बजा दिया। इसका आखिरी जो मने हुक्मरान थे जलालुद्दीन ख्वारज़्मशाह वो 1230 में एक शख्स के हाथों जो है उसका कत्ल हो गया। जब तातारियों ने ख्वारज़्मशाही सल्तनत पर हमला किया तो उसके हवलनाक हमलों से लोग बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए, अपने जान बचाकर इधर उधर भागे। इसी में से जो लोग जान बचाकर भागे वो आपका मुल्क शाम और ये आपका फलस्तीन इलाके में भी आकर बस गया, यानी अय्यूबी सल्तनत में आकर ये लोग यहाँ आकर पनाह गुजीर हुए हैं। साल 1238 में मिस्र के सुल्तान अल कामिल का इंतकाल होता है और उसके इंतकाल के बाद उनका एक लड़का अल आदिल सेकंड के नाम से मिस्र का सुल्तान बनता है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल ही हुकूमत कर पाता है क्योंकि उसका एक और भाई अस्साले अय्यूब उसको तख्त से हटा देता है, खुद जो है मिस्र का सुल्तान बन जाता है। याद रखिएगा कि अस्साले अय्यूब अय्यूबी सल्तनत का आखिरी सुल्तान है और ये करीब 9 या 10 साल तक फिर ये हुकूमत कर पाता है और इसके बाद जो है अय्यूबी सल्तनत का जो है जवाल हो जाता है, खात्मा हो जाता है। मंगोल के हमला के बाद जो है जो ख्वारज़्मियन एम्पायर था उसका जवाल हो जाता है और उसके जो जो मैंने जो ये सोल्जर्स वगैरह थे जो थे वो या आवाम बोल लीजिए आवाम सिविलियन सोल्जर ये सब लोग जो है अपने उस मुल्क को छोड़कर जो है इधर उधर भाग जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो रुख करते हैं आपका सीरिया की तरफ, मुल्क शाम की तरफ और फिर मुल्क शाम के तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर जो है फिर लड़ाई वगैरह करते हैं। तो अस्साले अय्यूब ने क्या किया कि अपने आर्मी में इन ख्वारज़्मियन को जो है भर्ती कर लिया, मैंने उनको मैंने तनख्वाह पर रख लिया और उनके फौजी खिदमात को जो है लेना शुरू कर दिया। 1244 साल में क्या होता है कि अस्साले अय्यूब इन्हीं ख्वारज़्मियन के मदद से जो है वो यरूशलम का जो है मुहासरा करता है और फिर 15 जुलाई को
यरूशलम को अपने कब्जे में कर लेता है। और फिर यहाँ के जो ईसाई बाशिंदे थे, या तो उनको शहर से निकाल दिया जाता है या उनका कत्ल कर दिया जाता है। सिक्स क्रूसेड में हमने ये देखा था कि अल कामिल जो है फ्रेडरिक सेकंड जो होली रोमन एम्परर को जो है यरूशलम सरेंडर कर देता है। उसके बाद ये क्रूसेड वहाँ ख़त्म हो जाता है। और क्रूसेड का असल मकसद ही था कि यरूशलम को दोबारा यरूशलम को मुसलमानों के कब्जा से माने छुड़ाकर अपने कब्जा में ले लेना। तो सिक्स क्रूसेड में माने सलीबियों को ये यरूशलम जो है हासिल हो गया था और क्रूसेड ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर जब यरूशलम के ऊपर जब मुसलमानों का माने अयूबी सुल्तान असाले का जब कब्जा हो गया, तो फिर जो है यहाँ से जो है एक सबब बनता है सेवेंथ क्रूसेड के लिए। अच्छा, यरूशलम का तो मुहासरा हो गया। ठीक उसी साल 1244 साल में ठीक दो तीन महीने के बाद माने 17-18 अक्टूबर को एक और जंग होती है गाजा, जो फलस्तीन के मतलब मेडिटेरेनियन सी के ठीक साहिल पर वाक़ एक शहर है गाजा, उसी गाजा में एक गांव है जिसको हिरबिया कहते हैं। इसी गांव के पास जो है 17-18 अक्टूबर के सिर्फ दो दिन के लिए जो है एक जंग हुआ था जिसको बैटल ऑफ हिरबिया या बैटल ऑफ डाफोर भी या बैटल ऑफ गाजा भी कहते हैं। अब ये जंग हुई थी वही अयूबी सुल्तान असाले अयूब के फौज और इनके मुकाबले में थे कुछ इत्तेहादी फौज। अब इस इत्तेहादी फौज में था माने यरूशलम सल्तनत की आर्मी और दूसरी तरफ असाले अयूब के कुछ मुखालिफ भी थे, इनके खानदान के लोग जो है इनके खिलाफ भी हो गए थे। जैसे मिसाल के तौर पर इनका जो अंकल था ये असाले इस्माइल जो दमिश्क रूलर था वो इसका मुखालिफ हो गया था। उसी तरह से दमिश्क होम्स सीरिया में मुल्क शाम में एक शहर है और किराक जो कि जॉर्डन में है। तो इन इलाकों में अयूबी खानदान के ही लोग हुकूमत कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो है असाले अयूब के बागी हो गए थे, उनके दुश्मन हो गए थे। इसलिए इन लोगों का भी जो अपना फौज था ये इनका अपना फौज और यरूशलम के सलीबियों का फौज का एक इत्तेहादी फौज हुआ। इन इत्तेहादी फौजों के साथ फिर असाले अयूब के अपना जो इजिप्शियन आर्मी थी और प्लस जो ख्वारिज्मियन का जो आर्मी इसके अंदर में शामिल थे, इन लोगों के माबैन में जो है 17-18 अक्टूबर 1244 को गाजा के पास हिरबिया गांव में एक जंग होती है। इस जंग में लेकिन फिर अयूबी सुल्तान की जीत होती है और इसमें सलीबियों की और इत्तेहादियों की जो है शिकस्त होती है। अब इसमें जो है करीब 5,000 सलीबियों को जो है कत्ल कर दिया जाता है और 800 सलीबियों को जो है इसको हिरासत में लिया जाता है, इनको कैदी बना लिया जाता है, जिसमें कि बड़े टॉप के इसमें लीडर थे जैसे ग्रैंड मास्टर ऑफ नाइट्स टेम्पलर, आर्च बिशप ऑफ टायर, ये लोग इसमें शामिल थे। तो जब फिर ये जब खबर पहुंचती है यूरोप में कि यरूशलम पर अयूबियों का एक बार मैंने दोबारा से फिर कब्जा हो गया है और गाजा के जंग में जो है करीब 5,000 जो है मैंने सलीबियों का कत्लेआम हो गया है, तो ये खबर फिर यूरोप में पहुंचती है और फिर जो है सेवेंथ क्रूसेड का जो है आगाज होता है। और इस सेवेंथ क्रूसेड को लीड करते हैं इस बार फ्रांस के राजा लुईस 9 और पोप जो पहले के तरह जो एक रवायती तौर पर पोप जो है ऐलान करते हैं क्रूसेड के लिए, इस बार क्रूसेड का ऐलान करते हैं पोप इनोसेंट 4। पोप इनोसेंट 4 ने जब सेवेंथ क्रूसेड का ऐलान किया या फ्रांस के राजा लुईस 9 जब क्रूसेड पर जाने के लिए तैयार हो गए, तो उस वक्त अवाम में उस तरह से जोश खरोश क्रूसेड के लिए दिखाई नहीं दे रहा था।
जिस तरह से अर्लियर क्रूसेड्स में दिखाई दिया था, क्योंकि अवाम ये देख चुका था, ये देख चुके थे कि यरूशलम जो है कभी सलीबियों के कब्जे में चला आता है तो कभी जो है आपके मुसलमानों के कब्जे में चला जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने यूरोप के जो राजा लोग भी थे या जो हुक्मरान थे उनमें भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब जो है उनको यरूशलम से ज्यादा अपने अपने सल्तनत में जो सियासी मसाइल थे वो ज्यादा अहम हो गया था। और दूसरी बात यह है कि जैसे वेनिशियंस को जब पता चला कि सेवेंथ क्रूसेड का ऐलान हुआ तो वो लोग भी नाराज हो गए, क्योंकि उन लोगों का जो है मिस्र के साथ खूब अच्छा खासा तिजारत और कारोबार चल रहा था। तो उनको ये बात का बहुत अफसोस था या गुस्सा था कि क्रूसेड शुरू हो गया फिर जो है कारोबार उनका जो है चौपट हो जाएगा। खैर जो भी हो, सेवेंथ क्रूसेड पर लुईस नहम जो है अपने खानदान के अफराद के साथ क्रूसेड पर निकल पड़े। उनके साथ थे उनकी रानी की बहन थी और खुद राजा के अपने भाई भी इसमें शामिल थे, और पैपल लीगेट भी क्रूसेड में शामिल हो गए। पैपल लीगेट मैंने पोप का जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, फ्रांस के दूसरे इलाकों से भी जो क्रूसेडर्स जो है मैंने इस क्रूसेड पर गए हैं, जैसे कि फ्रांस का बर्गंडी का इलाका हुआ, ब्रिटानी लॉरेन वगैरह, और बेल्जियम के फ्लैंडर्स इलाके से भी गए लोग, स्कॉटलैंड से मैंने दीगर इलाकों से भी जो है इस क्रूसेड में गए हैं। अच्छा, लोगों को इस क्रूसेड में मैंने तरगीब देने के लिए जाने के लिए पोप ने इंटेलिजेंसेस भी जो है उनको दिया कि शायद इससे तरगीब पाकर इस क्रूसेड में शामिल हो जाए। फंड्स को क्रेडिट किया गया रेवेन्यू के जरिए से, और पादरियों पर भी जो है टैक्स लगाकर जो उनसे पैसा वसूल किया गया। और जो यहूदी लोग थे फ्रांस में उनके प्रॉपर्टी को, उनके अमलाक को, उनकी मिल्कियत को लुईस नाइन जो है जबरदस्ती जो है जब्त कर लिया। अच्छा, इसके अलावा रिडेम्पशन भाव के जरिए भी जो है कुछ पैसे कलेक्ट किए। रिडेम्पशन भाव ये होता है कि जो क्रूसेड पर जाने के लिए एक बार अहद कर लेते हैं और वो किसी खास वजह से मसलन ज़ईफ़ी की वजह से या किसी मजबूरी के सबब अगर नहीं जा पाते हैं तो उनको इसका कफारा अदा करने के लिए या तो उनको किसी दूसरे को पर्सन क्रूसेड पर भेजना होगा अपने खर्चे पर, या कोई दूसरा पर्सन अगर तैयार नहीं होता तो वो जब खुद जाता क्रूसेड पर तो जो उसके इसमें जो पैसे जो खर्च होते वो पैसा जो है इसको इस कॉज में लगा देना होगा। खैर जो भी हो, लुईस नाइन 1248 को पेरिस मैंने फ्रांस की राजधानी पेरिस से जो है वो रवाना होते हैं, और वो सबसे पहले उसके बाद लायंस शहर में जाते हैं, वहाँ पर पोप इनोसेंट से मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ से मार्सेल्स जाते हैं, और फिर मार्सेल्स से जो है शिप के जरिए जो है मेडिटेरियन सी के से होकर जो है वो आपका जो है साइप्रस पहुँचते हैं 17 सितंबर 1248 को। साइप्रस एक तरह से मैंने सलीबियों के लिए एक ब्रेक जर्नी का एक मुकाम था, यहाँ पर आकर ये लोग ब्रेक जर्नी कर लिया करते थे। साइप्रस में फिर आयकर से भी बहुत सारे वहाँ पर नोबल्स जमा हो गए थे, और फिर उसी जगह जो है ये फैसला किया गया कि जो है मिस्र पर ही जो है मैंने हमला किया जाएगा। और जब ये लुईस नाइन अपने 10,000 फौज के साथ जब वहाँ पर साइप्रस पहुँचते हैं तो वहाँ का राजा किंग हेनरी वन उनका पुरजोर जो है इस्तकबाल करता है। सीज ऑफ दामियाता 1249 यानी 1249 साल का दामियाता का मुहासरा। फ्रेंच किंग लुईस नहम साइप्रस से रवाना होता है और 4 जून 1249 को दामियाता पहुंचता है, और फिर उसके दूसरे ही दिन यानी 5 जून को दामियाता का मुहासरा शुरू होता है। ये सुल्तान जो मिस्र के जो सुल्तान थे अस्साले अय्यूब, वो इस दौरान उनको एक दम्मा का बीमारी हो जाता है और फिर वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि जंग में जंग को लीड करने पाए, इसलिए वो फखरुद्दीन को अपना जंग का सिपाहसालार बना देते हैं। अब फिफ्थ क्रूसेड में जो सीज ऑफ दामियाता हुआ था, जो हिकमत अमली उस वक्त
सुल्तान ने अपनाया था वही हिकमत अमली यहाँ भी अपनाया गया। यानी फखरुद्दीन जो कमांडर थे वो अपने पूरे फौज को जो है दामियाता से लेकर जो है माने वापस चले जाते हैं जुनूब में मंसूरा की तरफ, और इस तरह से पूरा गैरिसन खाली हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ के जो मुस्लिम बाशिंदे थे वो भी शहर को खाली कर देते हैं और बाजार वगैरह को आग लगाकर वहाँ से चल देते हैं। और इस तरह से बआसानी माने फ्रेंकिश आर्मी जो है दामियाता पर जो है अपना कब्जा जमा लेती है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि दामियाता में एक मस्जिद थी अम्र इब्न अल आस के नाम से। अम्र इब्न अल आस सहाबी थे और वो मिस्र के गवर्नर थे। उन्हीं के नाम पर एक वहां पर मस्जिद थी। इस मस्जिद को फ्रेंच किंग लुईस नहम एक कैथेड्रल में जो है तब्दील कर देता है। अच्छा, अब चूंकि से ये माने सुल्तान जो अपने पूरे फौज को लेकर माने मंसूरा पहुंच जाते हैं माने जुनूब की तरफ, अब तो उस वक्त फिर जो है इजिप्शियन जो आर्मी थी फ्रेंच की माने लुईस नाइन की क्यादत में, वो फिर वहीं पर दामियाता ही में रुक जाती है। क्योंकि उस वक्त दरियाए नील में जो है माने ये क्या कहता है कि माने ज्वार हो गया था या उसमें जो है पानी जो है राइज कर गया था, तो वो उस वक्त वहां पर वेट करने लगा कि जब फिर भाटा हो जाएगा, जब दरिया नील में पानी कम हो जाएगा, और दूसरी बात फ्रांस से मजीद कमर मैंने और रीइंफोर्समेंट जब वहां दामियाता पहुंच जाएगी तब फिर वो आगरा के लिए जो है रवाना होंगे। अच्छा, इसी दौरान एक वार काउंसिल भी हुआ। उस वार काउंसिल में कुछ लोगों ने मैंने ये प्रपोजल दिया कि अलेक्जेंड्रिया का जो है अलेक्जेंड्रिया पर हमला किया जाए, लेकिन किंग का जो भाई था रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस और किंग खुद जो है उन लोगों के इस तजवीज को मुस्तरद कर देते हैं। और फिर जो है यही फैसला होता है कि नहीं, कायरो पर ही हम लोग सीधा जो है हमला करेंगे। तो इस तरह से फिर 20 नवंबर 1249 को पूरा फ्रेंकिश आर्मी दामियाता से मंसूरा के लिए जो है रवाना होती है। और इस दौरान दरियाए नील में जो है पानी कम हो जाता है और फ्रांस से भी मस्जिद कमक जो है पहुंच जाती है। इस दौरान क्या होता है फिर कि सुल्तान असाले अयूब, सुल्तान असाले अयूब जो है वो 23 नवंबर 1249 को वो इंतकाल कर जाता है। और उसके बाद उसका बेटा अल मुअज्जम तुरान शाह जो है मिस्र का सुल्तान बनता है, लेकिन वो भी मजीद कुछ महीनों के लिए, क्योंकि फिर वो 1250 साल में वो भी जो है डेड कर जाता है। सुल्तान असाले अयूब की जो बीवी थी जो अब बेवा हो गई है जिसका नाम था शजर अदर, जिसका मतलब होता है शजर का मतलब होता है दरख्त, अदर का मतलब होता है मोती माने मोतियों का दरख्त, वो जो है एक ममलूक से एक गुलाम से जो है वो शादी कर लेती है जिसका नाम है अल मलिक अल मुइज ऐबक। अल मलिक अल मुइज ऐबक, हम जानते हैं कि असाले अयूब जो है अपनी फौज में जो है बहुत सारे गुलामों को जो है गुलाम फौजों को भर्ती कर लिया था, तो उसी में से एक गुलाम था अल मलिक अल मुइज ऐबक, उसी से ये सजर अदर उससे निकाह कर लेती है। और फिर वही जो है बाद में इजिप्ट का जो है वो हुक्मरान बन जाता है। और फिर यहां से जो है आपका एक तरह से समझ लीजिए कि अयूबी सल्तनत जो है खत्म हो जाता है। दामियाता के मुहासरा और कब्जा के बाद अयूबी फौज और फ्रांसीसी फौज के माबैन एक और जंग होती है जिसे हम मंसूरा की जंग या बैटल ऑफ मंसूरा कहते हैं। मंसूरा मिस्र में काहिरा से पहले जुनूब के जानिब जो है ये वाक़ है, और ये दरिया नील के मशरकी जानिब वाक़ है। अच्छा, जब दरिया नील का पानी कम हो गया या दरिया नील जब लो टाइड वहां पर था, तो उस वक्त फिर जो है लुईस की फौज जो है दरिया नील को क्रॉस करके जो है मंसूरा की तरफ आगे बढ़ती है।
8 फरवरी 1250 को मैंने सलीबी फौज रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस की क्यादत में जो है दरिया नील को क्रॉस करती है और इसको इसको कमक पहुंचाने में काम करते हैं टेम्पलर्स हॉस्पिटलर्स और एक अंग्रेजी फौजी टुकड़ी। अच्छा, रॉबर्ट और उसके फौज जो है जो इजिप्शियन आर्मी थी या जो अयूबी फौज थी उसके ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं और उसमें से बहुतों का कत्लेआम भी हो जाता है और फिर बहुत से लोग जो है वहाँ से जो है मंसूरा की तरफ जो है फिर भागते हैं। इस जंग में जो अयूबी फौज का जो सिपह सलार था माने फखरुद्दीन वो इसमें शहीद हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इस तरह से 11 फरवरी 1250 को माने फ्रेंच आर्मी मंसूरा की जंग जीत लेते हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आपको लुईस नहम के भाई रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस को। अब रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस जीत की खुशी में इतना इतना जोशीला हो जाता है, इतना मतलब जज्बात बन जाता है कि वो जो है जो भागते हुए जो अयूबी फौज थी उसको चेस करते हुए माने और मंसूरा के करीब जो है वो पहुंचता है। वहां जब वो पहुंचता है तो फिर उस वक्त जो है एक पतली सा पतला सा जो है स्ट्रीट था गली था उसमें आकर जो है फिर ये फ्रांसीसी फौज जो है वहां पर लड़ती है लेकिन ठीक से लड़ नहीं पाती है। अच्छा, इस दौरान चूंकि फखरुद्दीन तो इंतकाल के शहीद हो गया माने इस जंग में, अब जो है अयूबी फौज की क़यादत कर रहे हैं रुकनुद्दीन बैबर्स। ये रुकनुद्दीन बैबर्स वो शख्स है जो फिर बाद में फोर्थ ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट होता है, माने इजिप्ट का जो ममलुक सुल्तान ये फिर आगे चल के बनता है। इसी के क़यादत में फिर अयूबी फौज फ्रांसीसी फौज से लड़ती है। अब अयूबी फौज जो है रुकनुद्दीन बैबर्स की क़यादत में पलट कर जो है फिर माने इसका ये माने ये फ्रांसीसी फौज पर हमला करती है और इस जंग में इस बार जो है रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस जो है वो मारा जाता है और इसके पूरे फौज जो है तकरीबन जो है पूरे जो है माने खत्म कर दिए जाते हैं। लुईस नाइन के भाई रॉबर्ट वन ऑफ आर्टोइस और उसके फौजी जो लश्कर थे मंसूरा की गलियों में बाइबर्स के हाथों शिकस्त होने के बाद और फिर उनके मारे जाने के बाद लुईस नाइन ने ये फैसला किया कि वो अपने लश्कर को लेकर दामियाता वापस रवाना हो जाएगा। इस दरमियान लुईस नाइन ने मिस्र के सुल्तान तुरान शाह को एक तजवीज़ पेशकश की कि वो जो है उसे यरूशलम उसके हवाले कर दे तो ये दामियाता उसके हवाले कर देगा। लेकिन इजिप्शियन जो फौज थी वो देखी कि लुईस नाइन की पोजीशन जो है बहुत डिसएडवांटेजियस है, इसलिए इसके इजिप्शियन फौज ने लुईस नाहन के इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। खैर जो भी हो, लुईस नाइन फिर अपने फौज के साथ 5 अप्रैल 1250 को दामियाता वापस रवाना होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो इजिप्शियन आर्मी थी वो मंसूरा से जो है फिर अपने आगे बढ़ती है और फिर लुईस नाहन के फौज को पीछा करती है। पीछा करते करते जो है फिर उसको जो है चारों तरफ से जो है वो घेर लेती है और 6 अप्रैल को 1250 को जब लुईस नाहन की लश्कर जो है वो फरिस्कूर जो दामियाता के साउथ वेस्ट में जब वहाँ पहुँचती है तो उनको चारों तरफ से घेर लेती, फिर इस मुकाम पर जो है जंग होती है और इस जंग में ये माने लुईस नाहन की फौज जो शिकस्त खाती है, इसमें से बहुत से लोग गिरफ्तार भी होते हैं, अब बहुत से लोगों को जो है कत्ल भी कर दिया जाता है और खुद लुईस नाइन को जो है माने जंजीरों में जकड़ के और उसके साथ और भी जो उनके जो पर्सनल फोर्स थे उसको भी जंजीरों में जकड़ के उसे मंसूरा जो है वापस लाया जाता है। तो इस तरह से फरिस्कूर की जंग जो है इजिप्शियन आर्मी जो है जीत जाती है। अच्छा, जब
ये जब ये मैंने फ्रेंच आर्मी जब यहाँ बंदी बनाकर जब मंसूरा लाई जाती है तो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा तादाद में करीब 30,000 के करीब जो है इनको बंदी बना लिया गया है। अब इतने बड़ी तादाद को तो गार्ड करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसमें से बहुतों को इजिप्शियंस ने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, इसी दौरान 2 मई 1250 को ये माने असाले अय्यूब के जो देवा थी सगर दूर और बाइपर्स, ये लोग आपस में एक माने माने साजिश रचते हैं। उस साजिश में जो है तुरान शाह का जो है कत्ल हो जाता है। सदर दूर का मतलब हम बताएं कि सदर दूर का मतलब होता है कि मोतियों का पेड़, दूर माने होता है मोती, सदर माने दरख्त। जो भी है तुरान शाह के कत्ल के बाद उसके जगह अल अशरफ मूसा जो है माने मिस्र का सुल्तान बनता है और वो भी 4 साल के लिए, लेकिन ये सिर्फ नाम का रहता है। असल में फिर जो है वो जो सजदूर जो है इज़्ज़ुद्दीन ऐबक से शादी कर लेती है और ऐबक जो है फिर ये इसके साथ मिलकर एक रीजेंट किंग हो जाता है और इस तरह से जो अय्यूबी सल्तनत थी यहाँ पर आकर जो खत्म हो जाती है और फिर ममलूक सल्तनत की जो है बुनियाद पड़ती है। खैर जो भी हो, फिर बाद में लुईस नाइन को जो है एक बहुत बड़े जब ये मुआवजा रकम के आवाज में फिर इसको जो है माने रिलीज कर दिया जाता है और 6 मई 1250 को माने मुसलमानों को जो है दामियाता फ्रेंच किंग सरेंडर कर देता है, उसके हवाले कर देता है और फिर लुईस अपने शर्फा और अपने बाकी फौज के साथ जो है एकर पहुंचता है, फलस्तीन के साहली शहर एकर में, वहां पर फिर 12 मई 1250 को पहुंच जाता है। एकर में पहुंचने के बाद लुई नाइन जो है मजीद और 4 साल तक वहां जो है माने मुकीम रहता है और फिर वहां पर मुकीम रहकर जो है वहां के जो ये जाफा का जो किला वगैरह है उसके तामीरी काम करवाता है, उसका मरम्मत करवाता है और फिर वहीं पर रहकर बाकी जितने भी और माने बंदी जो थे इजिप्शियन आर्मी के कब्जे में, जो माने फ्रेंकिश आर्मी जितने अभी तक बंदी थे उनको छुड़ाने की कोशिश करता है। खैर फिर बिलाखिर 24 अप्रैल 1254 को लुई अपने पूरे खानदान के साथ एकर से जो है फ्रांस रवाना हो जाता है और इस तरह से 7 क्रूसेड जो है खत्म होता है। और 7 क्रूसेड जब खत्म होता है तो हासिल कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि लोगों की जान जाती है और माल और दौलत जो है जाय होता है।